दोस्तों इस वीडियो में हम थ्रोन ऑफ सील के आगे की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो की एंड तक बने रहना। अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार उसे भी देख लेना, मैं उसके लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें ओल्ड मास्टर को दिखाते हैं, जहां वो सब इसे कहते हैं, चलो लाइट फेरी का यह मामला तो खत्म हो गया और तुम सब लोग अपने अपने काम पर वापस जा सकते हो। जो सुनकर सब लोगों वहां से चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी पीछे से टकला कहने लगता है कि जो कुछ हमारा है वो हमारा है, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। असल में वो एम्परर को ताना मार रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचिन सायर से कहता है, चलो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। उन लोगों को यहाँ से जाता हुआ देखकर ओल्ड मास्टर अपने मन में कहने लगते हैं, हाओचिन ने क्या अपनी सारी एलिमेंट पावर दिखाई थी, मुझे लगता है कि उसकी लाइट एनर्जी इससे भी ज्यादा होगी। वो तभी यहाँ पर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर सायर की मॉम और फादर आ जाते हैं। सायर के फादर इस वक्त एक छोटी बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, ये बात तो आप लोगों को मालूम ही होगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के डीमन्स गॉड्स पर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक डेमन गॉड यहाँ पर लायन डेमन किंग से पूछता है, आखिर तुमने यहाँ पर सारी आर्मी को क्यों जमा करवाया है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो इंसान तुम्हारे ट्रैप में फंस जाएंगे। जिस पर लायन डेमन कहता है, हाँ वो इंसान कभी भी लाइट फेरी को जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इनके लिए काफी ज्यादा कीमती है और इसीलिए उनमें से जो भी वारियर फेरी को अपने साथ अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तभी मेरा लगाया हुआ सील एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर जा पाएंगे और उन लोगों पर हमला कर देंगे। यहाँ पर यह डीमंस ने वॉल ये पूरी तरीके से तैयार खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ इन लोगों को तो कुछ भी मालूम नहीं होता है। ये लोग तो खुश थे, आखिरकार इन लोगों ने डीमंस के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर फायर बलून जलाते हुए अपने सारे के सारे अपनों को याद कर रहे थे, जिन्होंने डीमंस के खिलाफ लड़ते भी अपनी जान दे दिया। ये लोग कभी भी उन्हें नहीं भूलना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचिन ने अपनी लाइट फेरी को बाहर निकाल लेता है, साथ ही वह यहाँ पर लाइट फेरी से कहता है, लिटिल परी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, अब वह वक्त आ चुका है। और हमें यहाँ पर मालूम होता है कि हाओचिन की इसी प्रॉमिस की वजह से लाइट फेरी ने उसे चूज किया था। लाइट फेरी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी, वो हाओचिन का शुक्रिया अदा करती है उसे आजाद करने के लिए, साथ ही साथ उसे बचाने के लिए। इसके बाद हाओचिन इसे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन कोशिश करना कि कोई दोबारा तुम्हें पकड़ ना ले। जो सुनने के बाद लाइट फेरी वहाँ से रवाना हो जाती है, जबकि हाओचिन आसमान की तरफ देखते हुए सायर से कहता है, आसमान में कितने सारे फायर बलून है, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर सायर भी खुश होते हुए कहती है, हाँ तुम्हारे साथ इस लम्हे को एंजॉय करना बाकी में ये काफी ज्यादा सुकून है। यहाँ पर ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहते हैं कि बिग सिस्टर क्या आप मेरे लिए इसे जला सकती हो, क्योंकि बच्चों को आज से खेलने मना है। सायर यह सुनकर जैसी पीछे मुड़कर देखती है, उसे देखने को मिलता है कि उसके फादर ने एक फायर बलून को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वह अपनी सारी मेमोरीज हो चुका है, इसीलिए वो सायर को ब्यूटीफुल बिग सिस्टर कह रहा है। हाओचिन यहाँ पर उस बच्चे से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जो सुनकर वो बच्चा इनके तरफ बढ़ने ही लगा था, लेकिन तभी वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। जी पर हम देखते हैं कि सायर उसे गिरने से बचा लेती है, साथ ही साथ यहाँ पर सायर को अपने बचपन की मेमोरी ज्यादा याद आ रही थी, जब वो अपने फादर से कहती है कि फादर इस फायर बलून को मेरे लिए जल दो, मैं बच्ची हूँ ना, मैं आपसे नहीं खेल सकती। हाओचिन ने यहाँ पर बाप और बेटी को इतने करीब देखकर उन दोनों को अकेले कुछ देर के लिए छोड़कर वहाँ से रवाना हो जाता है, जहाँ रास्ते में मास्टर खड़े थे, जहाँ वो हाओचिन से कहते हैं कि तुमने आखिर फादर और डॉटर को अकेले कुछ देर के लिए छोड़ ही दिया। हाओचिन भी इस बात को लेकर काफी खुश था, क्योंकि काफी वक्त के बाद ही सही लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर हाओचिन को बताना शुरू कर देते हैं, ये बात तो तुम्हें अच्छे से मालूम होगी, ये सारे के सारे फायर बलून हमारे कॉमरेड को शो कर रहे हैं, हम उन्हें ये रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स हजारों किलोमीटर दूर से आया है। यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों का मकसद सेम है, ये रास्ता बेशक की मुश्किल है लेकिन जब तक हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर आगे की तरफ चलते रहेंगे, तब तक कामयाबी हम लोग की ही होगी। यहाँ पर यह कहते हुए हमें हाओचिन के फ्रेंड्स को दिखाई जाता है, जिनमें से एक तो खाना खा रहा था और वही छोटी लड़की सो रही थी, जबकि दूसरी तरफ ग्रीन हेयर वाला लड़का पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर हानियों को भी देखते हैं,
वो यहाँ पर कोई भी फायर बैलून नहीं जल रहा था, इसलिए एक कमांडर उसके पास फायर बैलून ले आते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स की याद में इसे जला ले। हाँ यू पहले तो इस बात से मना करता है, लेकिन उस कमांडर कोर्स करने पर आखिरकार हाँ यू इसके लिए एग्री हो जाता है। कमांडर भी उस लड़के में अपने दोस्त को देखता है, दूसरी तरफ मास्टर को देखते हैं, जो कि हाओचेन को अभी भी यह सारे बातें बता रहा था। वो उससे कहता है कि इस रास्ते में हमने अपने कई अपने लोगों को खो दिए, जो कहते हुए मास्टर को अपनी टीम लीडर की याद आता है, जिन्होंने फाइट के दौरान मास्टर को वहाँ से बचा लिया था। ये सारे बातें कहने के बाद मास्टर मेन पॉइंट पर आते हुए कहते हैं कि हाओचेन मुझे नहीं मालूम कि कब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कल को कुछ भी हो जाए तो मेरी पोजीशन तुम संभल लो। हाओचेन उनकी बात मानते हुए उनके हाथ से लाइट को ले लेता है, साथ ही साथ वह मास्टर जी से कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा, मैं उससे पहले ही इस जन को खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर मास्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से रवाना हो जाते हैं, साथ ही वह हाओचेन से कहते हैं कि बस यह मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट हो करके दूसरी तरफ एम्परर ली पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने उस लाइट फेरी को पकड़ लिया था। वो कहते हैं कि यह तो काफी अच्छा हो गया, जो चीज मैं चाहता था वो मेरे पास खुद ही आ गई। तुम्हारी पावर ऑब्जर्व करने के बाद शायद मैं अपने लेवल ब्रेक थ्रू करके लेवल 8 पर पहुंच जाऊंगा। ये काफी काम की बात होगी क्योंकि हाओचेन को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। ये कहते ही एम्परर ली फेरी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फेरी को काफी तकलीफ हो रही थी, जबकि एम्परर ली खुश हो रहा था। ये तो काफी कमाल का है, हो सकता है कि तुम्हारे साथ मर्ज होने के बाद मैं लेवल 8 की बजाय सीधा लेवल 9 पर पहुंच जाऊं। शायद इससे भी ज्यादा मुझे शायद सील डिवाइन थ्रोन मिल जाए, हो सके तो मैं एक दिन पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को लीड करूं। यहाँ पर एम्परर ली इसी तरह के ख्वाब देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो यहाँ पर लाइट फेरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक लाइट फेरी की बॉडी से डेमन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। फेरी यहाँ पर जोरों से हाओचेन का नाम चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं हाओचेन अपने दिल को पकड़ते हुए कहते हैं शायद लाइट फेरी को मेरी हेल्प की जरूरत है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर यहाँ पर डेमन एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उन्हें समय नहीं आ रहा था कि आखिर लाइट फेरी के अंदर से डेमन एनर्जी कैसे निकाल रही है। लाइट फेरी भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, वो कहती है कि कहीं उस डीमंस ने मेरे अंदर डीमंस पावर तो नहीं डाल दिया। यह एनर्जी के टोर्नेडो की वजह से हम देखते हैं कि आसपास की जमीन में टूटने शुरू कर दिया था। सारे के सारे वॉरियर्स काफी ज्यादा हैरान रहे थे, जबकि आसमान में भी डेमन पोर्टल ओपन हो चुके थे। हम देखते हैं कि डेमोनिक पोर्टल की दूसरी तरफ डीमंस आर्मी पूरी तरीके से तैयार थी। डेमन गॉड अपने साथियों से कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो, हमारी डीमंस गॉड के प्लान काम कर गया, इसीलिए बाकी का काम हम लोग संभल लेंगे। चलो सब लोग एक साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए हमला करो। जो सुनते ही वहाँ पर मौजूद सारे के सारे डीमंस ने पोर्टल की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ गेट के पास हाओचेन डेमोनिक पोर्टल्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है क्या डीमंस ने हम पर हमला कर दिया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।